Johar and welcome to my YouTube channel. So friends, today we talk about hidden shortcut key for select all command. Okay friends, आज हम बात करेंगे shortcut की, hidden shortcut की select all command का. Okay, तो select all command आपको मिलेगा, वो आपको मिलेगा home tab के editing group में. This is the last one. Okay, जो select है आपको यहाँ पे click करना है. आपके आपको सारे option दिखेंगे. जो पहला option है select all, ठीक है. जैसे आप माउस ओवर करोगे आपको डिस्क्रिप्शन भी और शॉर्टकट की भी दिख जाएगा. कंट्रोल ए है शॉर्टकट की, सेलेक्ट ऑल टेक्स्ट एंड ऑब्जेक्ट्स, ठीक है. कंट्रोल ए क्या करता है, ये सारे टेक्स्ट को सेलेक्ट करेगा, सारे ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करेगा. आपके डॉक्यूमेंट में जितने भी टेक्स्ट और ऑब्जेक्ट्स हैं आपने मैंशन किए हुए सबको सेलेक्ट करेगा, ठीक है. लेकिन आज हम बात करेंगे कंट्रोल प्लस ए की नहीं, किसी और शॉर्टकट की जो हिडन है. हिडन क्या है, बहुत कम लोगों को उसके बारे में पता है. ओके, तो जो शॉर्टकट की है वो मैं टाइप करने वाला हूँ, दैट इज़ सी टी आर एल कंट्रोल प्लस 5, ठीक है फ्रेंड्स. ओके, तो कंट्रोल प्लस 5 जो है कंट्रोल प्लस ए की तरह ही काम करता है, ठीक है. ये भी आपके डॉक्यूमेंट में जितना भी कंटेंट होगा सबको सेलेक्ट कर देगा. जैसे कंट्रोल प्लस आप ए करोगे, ओके, कंट्रोल प्लस 5 करोगे, इट वी वर्क सिमिलर, ठीक है. बोथ शॉर्टकट की वर्क सिमिलरली. ओके, तो फ्रेंड्स जो जो कैच है, जो आपको याद रखना है, ये जो नंबर 5 है, जो डिजिट जो 5 है, ये आपको नंबर कीपैड, ठीक है, अपने कीबोर्ड के नंबर कीपैड का 5 यूज़ करना है, ठीक है. ठीक है, आपके कीबोर्ड, आपके कीबोर्ड में जो है 5 जगह, 5 जो नंबर होता है वो दो जगह पे होता है. एक तो नंबर कीपैड में होता है और एक होता है फंक्शन की के नीचे जो रो होता है जिसमें नंबर और सिम्बल दोनों होते हैं, ठीक है. तो आपको वहाँ का जो नंबर है 5 वो यूज़ नहीं करना है, आपको नंबर कीपैड का 5 यूज़ करना है, ठीक है. यू हैव टू यूज़ द 5 ऑफ योर नंबर कीपैड. ओके फ्रेंड्स, एंड वन यू प्लस कंट्रोल प्लस 5 इट विल सेलेक्ट ऑल योर कंटेंट. ओके फ्रेंड्स,